जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मासूम नाम से शुरू की संस्था, जहां बेघर और अनाथ बच्चों को पहचान देने के साथ ही उनका पुनर्वास किया जाएगा। अब जिले में बेघर, अनाथ और घुमंतू बच्चों को संस्था मासूम के जरिए मदद मिलेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ये संस्था विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति के संयोजन में बनी है। इस संस्था के माध्यम से ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा जो सड़कों पर भीख मांग कर या कचरा इकट्ठा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो बेघर और अनाथ भी हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी कोई भी व्यक्ति या संस्था दुर्ग के गौरव पथ स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय सदन या फोन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। गौरतलब है कि मासूम संस्था के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि इस संस्था में पुनर्वास के लिए ऐसे बच्चों को शामिल किया गया है जो परिवार से उपेक्षित या निष्कासित हैं, या उनके पास जीवन निर्वाह करने का कोई साधन नहीं है, या अनाथ या परिवार से छोड़े हुए हैं जिनके माता पिता का पता भी नहीं, जो गलत संगत की वजह से आवारा और नशाखोर हो चुके हैं। ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा, शिक्षा से जोड़ने उन्हें स्कूल भी भेजा जाएगा और उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड जैसे दस्तावेज भी बनवाए जाएंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को सचिव राज राहुल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सुजन से ऐसे मासूम बच्चे जो रोड में या तो भीख मांगते हैं, निराश्रित हैं, ऐसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे परवरिश करने हेतु चिन्हांकित करेंगे एवं उनको जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं CWC के माध्यम से वो हम देने का कोशिश करेंगे। तो इसी के आधार पर ये मुहिम मासूम शुरू की गई है। बेसिकली ये जो मासूम अभियान हम लोग शुरू किया है, ये CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एवं स्पेशल विनायक पुलिस यूनिट के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा जमीनी क्षेत्र में कार्य किया जाता है जो बच्चों से संबंधित होती है। जैसे CWC के बाद बच्चों को संरक्षण दी जाती है, बच्चों को परवरिश के लिए स्थान प्रदान किया जाता है, वैसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो जुवेनाइल पुलिस इसमें काम करती है, जो बच्चों को इसमें देखने के लिए काम करती है, तो उनको शामिल करते हुए हम ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत कल से हुई है, जिसका क्रियान्वयन अब विस्तार रूप में सोमवार से किया जाएगा। ठीक। ग्रेट एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।